तो दोस्तों ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो माइनक्राफ्ट गेम खेलना पसंद करते हैं या फिर वो सोच रहे हैं इन फ्यूचर जाके माइनक्राफ्ट गेम को खेलना। तो अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों बेसिकली माइनक्राफ्ट दो तरीके से खेला जा सकता है। पहला तरीका है सिंगल प्लेयर, जिसमें कि आप अकेले जाएंगे, ज़ॉम्बी से आप अकेले लड़ रहे होंगे, खाना आप अकेले खाएंगे, घर आप अकेले बनाएंगे, फार्मिंग आप अकेले करेंगे, सब कुछ आपको अकेले करना है। दूसरा तरीका है माइनक्राफ्ट खेलने का, वो है मल्टीप्लेयर। मल्टीप्लेयर में आप अपने दोस्तों को बुला सकते हैं, रैंडम किसी के भी साथ जाके खेल सकते हैं, घुसंडबाजी कर सकते हैं, मारामारी कर सकते हैं, फार्मिंग साथ में कर सकते हैं, घर बना सकते हैं साथ में, या फिर आप लोग किसी कैंपेन पे जा सकते हैं। सो ये सभी चीजें होगी आपकी मल्टीप्लेयर से। लेकिन मल्टीपल प्लेयर खेलना माइनक्राफ्ट में थोड़ा सा ट्रिकी है। जैसे कि हम लोग दूसरे गेम्स में खेलते हैं, जैसे पबजी ले लेते हैं या फ्री फायर ले लेते हैं या फोर्टनाइट ले लेते हैं, इसमें मल्टीपल प्लेयर खेलने के लिए हमारे को सर्वर ऑलरेडी बना हुआ रहता है गेम प्रोवाइडर द्वारा, और वहीं पे हम लोग जाके मल्टीप्लेयर सेलेक्ट करते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन माइनक्राफ्ट में आप लोगों को खुद का अपना सर्वर बनाना है, और उसके बाद जो सर्वर लिंक है वो आप शेयर कर सकते हैं उन सभी लोगों के साथ जिनके साथ आप खेलना चाहते हैं। सो माइनक्राफ्ट सर्वर आप किस तरीके से बना सकते हैं ये मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो गाइस, मेरा नाम है तुषार और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को ये डिसाइड करना है सर्वर बनाने से पहले कि आप लोगों को पेड सर्वर चाहिए या फिर फ्री वाला सर्वर चाहिए। मैं आज आप लोगों से डिस्कस करूंगा फ्री वर्जन के बारे में। बेसिकली मुझे यहाँ पे दो वेबसाइट्स के बारे में पता है जो कि फ्री वर्जन प्रोवाइड करते हैं। एक है आपका एड्रिनोस और दूसरा है आपका माइनहंट। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग माइनक्राफ्ट सर्वर किस तरीके से फ्री में बना सकते हैं एड्रिनोस वेबसाइट के थ्रू। तो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को जाना है गूगल पे और वहां पे टाइप करना है आपको एड्रिनोस। एड्रिनोस जब आप सर्च करेंगे तो आप लोगों को ये पहला वाला वेबसाइट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों को क्लिक कर देना है पहले लिंक पे। अब यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है कि आपको अपना सर्वर बनाना है। तो कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले आप लोग क्लिक करेंगे इस प्ले वाले बटन पे। प्ले वाले पे क्लिक कर दीजिए। सो दोस्तों, जब आप एड्रिनोस में लॉग इन करेंगे नया नया तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा क्रिएट का। सर्वर्स के नीचे एक क्रिएट का बॉक्स बना होगा, ये मैं आप लोगों को आगे वीडियो में दिखाऊंगा। मेरा यहाँ पे ऑलरेडी सर्वर मैंने बनाया हुआ है, इसीलिए मुझे ये सर्वर दिखा रहा है। तो पहले मैं आप लोगों को अपना सर्वर दिखा देता हूँ। सो अब ये मेरे माइनक्राफ्ट सर्वर का डिटेल्स आ गया है। ये है मेरे माइनक्राफ्ट सर्वर का एड्रेस। आप अगर मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरे साथ खेलना चाहते हैं जब मैं लाइव होता हूँ, तो आप इस एड्रेस के थ्रू मुझे मल्टीप्लेयर में ज्वाइन कर सकते हैं माइनक्राफ्ट के अंदर। ये है इसका सॉफ्टवेयर पेपर एमसी और वर्जन है आपका 1.18.1। देखिए, जब मैं आप लोगों को आगे वीडियो में सिखाऊंगा कि किस तरीके से सर्वर बनाते हैं राइट फ्रॉम दी स्क्रैच, तो मैंने जो वहां पे सॉफ्टवेयर सेलेक्ट किया था वो था वैनिला। लेकिन आपको वैनिला नहीं सेलेक्ट करके आप लोगों को सेलेक्ट करना है पेपर एमसी। अगर मान लेते हैं आप गलती से कोई और भी सॉफ्टवेयर चूज कर लेते हैं तो वो आप चेंज कर सकते हैं। वो आप इस चेंज बटन पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपको खुल के आ जाएगा। मैंने शुरुआत किया था वनीला से बना के, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि अगर आप लोगों को प्लगइन्स इंस्टॉल करना है तो आप लोगों को ये पेपर या फिर बकेट को इंस्टॉल करना होगा एज अ सॉफ्टवेयर अपने सर्वर पे। सो चलिए, अब मैं आप लोगों को माइनक्राफ्ट सर्वर बनाना सिखाता हूं एड्रिनोस पे बिल्कुल जीरो से। तो यहाँ पे जैसे ही आप एड्रिनोस का वेबसाइट खोलते हैं तो ये आपको साइन अप का ऑप्शन देता है। यहाँ से आपको साइन इन कर लेना है विद गूगल। मैं इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मुझे अपना आईडी सेलेक्ट कर लेना है, जो भी मेरा ईमेल है उसे सेलेक्ट कर लेना है जिसे भी मुझे बनाना है। अब यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है सर्वर्स का ऑप्शन आ गया है, उसके नीचे आपका क्रिएट अ सर्वर पे है। तो क्रिएट अ सर्वर पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, जावा और बेडरॉक। जिसमें भी आपको बनाना है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। हम लोग जावा बनाएंगे तो मेरा जावा पे सेलेक्टेड है। बस आप लोगों को क्या करना है, क्रिएट पे क्लिक कर देना है। अब देखिए, जैसे ही आप लोग क्रिएट कर देंगे अपना सर्वर तो आप लोगों को इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों को सर्वर का आपका एड्रेस देखने को मिलेगा, यहाँ पे सॉफ्टवेयर देखने को मिलेगा और यहाँ पे वर्जन आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब हमारा जो दूसरा स्टेप है वो क्या है, वो आप लोगों को जाना है ऑप्शन पे। ऑप्शन पे जाने के बाद जो यहाँ पे आपको सर्वर प्रॉपर्टीज में देखने को मिल रहा है, आप एज इट इज वहां पे अपने सर्वर पे भी कॉपी कर लीजिए। वैसे आप लोगों को क्रैक्ड वर्जन जो है ये आप लोगों को ऑफलाइन दिख रहा होगा, ये आप लोगों को इनेबल कर देना है। अब ये सर्वर प्रॉपर्टी सेव करने के बाद आप लोगों को इंस्टॉल करना है अपने सर्वर पे प्लगइन्स। प्लगइन्स क्यों हम लोग इंस्टॉल करेंगे, ताकि जो जावा वर्जन वाले लोग हैं, जो मोबाइल वर्जन वाले या फिर पॉकेट वर्जन वाले जो लोग हैं, वो भी आप लोगों के साथ ज्वाइन कर सके। किसी का वर्जन डिफरेंट है तो वो भी आप लोगों के साथ खेल सके। ऐसा ना हो वर्जन मिसमैच के कारण आप लोग खेल ना पाओ एक साथ। एक प्लगइन को इंस्टॉल करके मैं आप लोगों को दिखा दूंगा और बाकी जितने भी सारे प्लगइन्स मैंने मेंशन करे हैं वीडियो में वो आप जाके इंस्टॉल कर लीजिए एक के बाद एक। तो देखिए, प्लगइन्स इंस्टॉल करने के लिए आपको आना है इस प्लगइन वाले ऑप्शन पे। प्लगइन वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। प्लगइन्स में आने के बाद आप लोगों को जाना है यहां सर्च ऑप्शन में। यहां पे आपको सर्च करना है एंटी चीट।
एंटर करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों को मल्टीपल ऑप्शंस आएगा, तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले वाला में जाना है, सेलेक्ट करना है, और उसके बाद जो सबसे ऊपर वाला वर्जन रहेगा ना, बस आप लोगों को इस पे डाउनलोड करके क्लिक कर देना है। ये आपका यहाँ पे डाउनलोड होगा और यहाँ पे टिक मार्क आ जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये जो प्लगइन है वो आपका हो गया है इंस्टॉल। इसी तरीके से आपको बाकी सारे प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लेना है। ये यहाँ पे आप लिस्ट देख रहे हैं अलग अलग प्लगइन्स का, ये सभी प्लगइन्स को आप लोगों को अपने सर्वर पे इंस्टॉल कर लेना है। जब ये सारे प्लगइन्स आप इंस्टॉल कर लेंगे अपने सर्वर पे, उसके बाद आप लोगों को जाना है सर्वर पे। अब यहाँ पे आप लोगों को करना है केवल इस स्टार्ट बटन पे क्लिक। आप स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देंगे, ये आपको प्रॉम्प्ट देगा, यहाँ पे आपको ओके क्लिक करना है और उसके बाद ये प्रिपेयरिंग टू स्टार्ट कर देगा। थोड़ा सा समय लगेगा और उसके बाद आप लोगों का सर्वर जो है वो ऑनलाइन हो जाएगा। ये ऑनलाइन होने के बाद अब आपके दोस्त आपके सर्वर को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि जिसके भी साथ आप लोगों को खेलना है उनके साथ आपको ये वाला जो एड्रेस है ये आपको शेयर करना है। ये मेरे माइनक्राफ्ट सर्वर का एड्रेस है, अगर आप मेरे साथ खेलना चाहते हैं लाइव में तो ये आप इस एड्रेस पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। जब भी मैं लाइव होता हूं तो ये सर्वर जो है वो ऑनलाइन रहेगा और आप मेरे साथ आके खेल सकेंगे। अब सर्वर बनाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है आपको सर्वर ज्वाइन करना। अब दोस्तों ये सर्वर आप लोग किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं ये बताया है मैंने नेक्स्ट वीडियो में। यहां से जाके इस वीडियो को आप लोग चेक कर लीजिए ताकि आप लोग किस तरीके से सर्वर ज्वाइन करते हैं ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा गेम के थ्रू। सो गाइस आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक बटन जरूर से दबा दीजिएगा और एक कमेंट मेरे लिए जरूर से नीचे छोड़ के जाइएगा, बिकॉज जितना भी ज्यादा कमेंट होगा उससे लगेगा यूट्यूब को कि इस वीडियो पे एंगेजमेंट आ रहा है और वो उतना ही इस वीडियो को और लोगों के साथ रिकमेंड करेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार एंड जय हिंद जय भारत।